नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं युवाओं को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम करियर मार्गदर्शन को लेकर। हमारे साथ में मौजूद हैं श्री संदीप भट्ट सर, आपका स्वागत है। सर, पिछले सप्ताह हमने बात की थी कि इस सप्ताह हम राज्य वन सेवाओं को लेकर बात करेंगे जी। तो राज्य वन सेवाओं से जुड़ी जो भी पद हैं, पहले हम उसके ऊपर चर्चा कर लें, ज़्यादा ठीक रहेगा। आसिफ जी, वन सेवाएं किसी भी राज्य में बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेवाएं हैं, जिनका कार्य वन का प्रबंधन, वनों का प्रबंधन और उसके विकास को लेकर के योजनाएं बनाना और उसका क्रियान्वयन करना है। दरअसल देखिए, किसी भी राज्य में वन विभाग अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अमला होता है, जिसमें बहुत से अलग अलग अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के संयुक्त रूप से काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक राज्य वन सेवाओं की बात है, तो इसमें कुछ ही द्वितीय श्रेणी के ही कुछ जो पद हैं वही केवल शामिल होते हैं, जिसमें वन क्षेत्रपाल, जिनको फॉरेस्ट रेंजर कहते हैं, या वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक बल्कि जिन्हें हमको कहना चाहिए, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इस तरह के पद द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पद होते हैं। जी जी जी, तो ये वन सेवाओं में शामिल होते हैं और इनका दायित्व और इनका कार्य क्षेत्र वन विभाग की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी सर, फॉरेस्ट में एक बहुत अच्छी बात यह है कि किसी भी स्तर का कर्मचारी हो, उसका अपना महत्व होता है, उसकी लिखी एक एक बात पत्थर की लकीर होती है। अगर वो किसी ज़मीन के ऊपर लिख दे कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, तो फिर उसे छुड़ा पाना शायद विधानसभा के ही बस में होता है। देखिए, वन संपदा जो है उसका बहुत महत्व होता है किसी भी राज्य में और देश के मामले में भी। और वन में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती है, सिर्फ वानिकी नहीं, उसमें केवल वन्य जीव का, वन्य जीवों का संरक्षण और उनका प्रबंधन और बहुत से कार्य वन विभाग से सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं। इसलिए वन विभाग का जो पूरा अमला है उसके पास कुछ अलग अलग तरह के कार्य होते हैं और उनसे जुड़े हुए अधिकार भी वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के पास में होते हैं। तो और बिल्कुल, चूंकि उनके पास कार्य का उनका जो है ना एक बहुत बड़ा फील्ड होता है, तो इसलिए निश्चित ही उनके जो सेवाएं हैं वो थोड़ा विशिष्ट किस्म की है। तो ये करियर के लिहाज से उन युवाओं के लिए, खास करके जो रोमांचकारी करियर चाहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपको वाइल्ड लाइफ देखने के लिए भी मिलती है, जंगलों में काम करने के लिए मिलता है, और सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो हमारे पर्यावरण के लिए काम करने का सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह भी आप वन सेवाओं में रहते हुए कर सकते हैं। आसिफ जी। जी सर, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वन सेवाएं हैं वो पुलिस से लगभग मिलती जुलती हैं, कई मामलों में पुलिस से ज़्यादा अधिकार वन अधिकारियों के पास होते हैं। इसी लिहाज से अगर हम बात करें तो सर, युवाओं को राज्य वन सेवा में आने के पहले क्या तैयारी करनी पड़ेगी? शायद एक तो शारीरिक स्वस्थता वाली तो जो बात है, मतलब उनका चुस्त दुरुस्त होना वो तो बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा वो कौन सी ऐसी तैयारी करें कि जिससे तो भविष्य में वो इसके लिए अपने आप को देखिए। आसिफ जी, बिल्कुल, चूंकि हमने जैसा कहा एक फील्ड बेस्ड सर्विसेज हैं और इसमें निश्चित ही जो कैंडिडेट है, जो एप्लीकेंट है, उसका फिजिकल फिटनेस होना भी बहुत आवश्यक है। उसके साथ ही साथ कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं। और दूसरी बात, चूंकि ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो इसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वन सेवाओं में वे ही प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने विज्ञान विषयों के साथ में स्नातक की डिग्री की हो, नेचुरल साइंस में हो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या विज्ञान की अन्य जो विधाएँ हैं उनसे संबंधित हो सकते हैं, गणित से संबंधित हो सकते हैं, या इंजीनियरिंग की कोई डिग्री हो, वेटनरी साइंस की कोई डिग्री हो, मेडिकल साइंस की कोई उनके पास में डिग्री हो, कुल मिलाकर के विज्ञान विषयों से आधारित स्नातक की अगर आपके पास डिग्री है, उपाधि है, तभी जाकर के आप ये जो राज्य की वन सेवाएं हैं इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और जो ये दोनों पद हमने जैसा कि कहा, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर जी, वन क्षेत्रपाल की जो द्वितीय श्रेणी के पद होते हैं वन विभाग में, और इनके लिए आवेदन करने के लिए आपके पास में इस तरह की शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आपके मेडिकली और फिजिकली फिटनेस होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें होता ही है कि जैसे जो पोस्ट है उसमें आपके जैसे आवेदनकर्ता की ऊंचाई है,
है ना, और उसको बल्कि विशेष तरह की परीक्षा भी होती है जिसमें एक निश्चित अवधि में आपको एक डिस्टेंस पैदल चल करके पार करनी होती है, क्योंकि आपको जंगलों में काम करना होता है ना। तो मेरे ख्याल से जो अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी राज्य वन सेवा की परीक्षा निकली है उसमें भी आप देखेंगे कि वर्णन है कि 4 घंटे में आपको तकरीबन 25 किलोमीटर पैदल चलना होता है दोनों ही पदों के लिए। महिला उम्मीदवारों के लिए और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कहीं शारीरिक मापदंडों में थोड़ा शिथिलता जरूर होती है, और उनमें ये जो पैदल चलने वाली जो फिजिकल फिटनेस की परीक्षा है उसमें भी थोड़ी सी शिथिलता हो सकती है। नियमानुसार जो भी उसमें मापदंड हैं वो पूरे अपनाए जाते हैं आसिफ जी। सर, राज्य वन सेवाओं में जाने के लिए तैयारी किस तरह करनी पड़ती है, मतलब इसके अंदर कौन से कोर्स, कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, उनके लिए कौन से बेहतर इंस्टीट्यूट हैं, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करें हम। हाँ, जैसा कि हमने कहा कि इसकी जो परीक्षा है उसमें बेसिक तौर पर विज्ञान विषय तो उसकी अनिवार्यता है, तो आप साइंस की किसी भी स्ट्रीम से आकर के स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य के, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, गुजरात हो, जहाँ भी आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइफ साइंसेज के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपका करंट जो जनरल स्टेटस है, जनरल नॉलेज है वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपको अपडेट होना चाहिए। और उसके साथ साथ कोचिंग की तो जहाँ तक बात है तो कोई अलग से इसका खास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं होता है, लेकिन हाँ, जब आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल फिटनेस के एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद जाकर भी आपकी ट्रेनिंग पीरियड शुरू होता है। इसमें 18 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का प्रशिक्षण आपको देना पड़ता है। फॉरेस्ट रेंजर के मामले में ये कहीं भी स्टेट फॉरेस्ट कॉलेजेस में होता है, और जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं तो इनका जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है वहाँ पर 2 साल का इनका प्रशिक्षण होता है, और तत्पश्चात इनको विभागीय परीक्षा भी पास करनी होती है, तब जाकर के ये सेवाओं में आते हैं आसिफ जी। मतलब चयन होने के बाद भी एक लंबी प्रक्रिया है सेवाओं में आने के लिए, क्योंकि ये विशिष्ट सेवा है ना, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एप्टीट्यूड भी वैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाकर के जो हमारे फॉरेस्ट एसेट्स हैं, वाइल्ड लाइफ एसेट्स हैं, उनको आपको संरक्षित करना है, उनको डेवलप करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा आपका एप्टीट्यूड भी उस सेक्टर में है या नहीं है, यह भी बहुत इस तरह की परीक्षाओं में देखा जाता है, विशेषज्ञता की डिमांड इसमें रहती है आसिफ जी। सर, IFS की जो तैयारी होती है ये उन तैयारियों से कुछ लगभग मिलती जुलती होती है या उससे अलग होती है? जो जैसा आपने कहा भारतीय वन सेवा, तो वो लोक सेवा आयोग जो हमारा है राष्ट्रीय, जिसको हम कहते हैं UPSC संघ लोक सेवा आयोग, उस वो इसकी परीक्षा को कराता है ठीक उसी पैटर्न पर, और मैं तो कहूंगा कि सिलेबस भी 19-20 नहीं होता, बल्कि सिलेबस भी लगभग लगभग एक जैसा होता है जी। और उसकी परीक्षा की प्रविधि जो उसकी मेथड है वो भी लगभग उसी तरीके से होती है, उसमें प्रारंभिक चरण की परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है, साक्षात्कार वगैरह होते हैं, तो ठीक उसी पैटर्न की परीक्षा स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन में भी अपनाई जाती है, जैसा कि IFS की परीक्षाओं के लिए होता है उसका पैटर्न। इसी बात से हम समझ सकते हैं कि राज्य वन सेवा में जाने के लिए मतलब बहुत आसान काम नहीं है, IFS की तरह ही उसके लिए परीक्षाएं देना होती है। IFS इक्वल टू IAS IPS ही होते हैं लगभग, ये उनका जो ओहदा है, उनका जो वेतन है, जो उनके भत्ते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित पद है, कार्य करने की दृष्टि से चैलेंजिंग भी है और रोमांच से भरा हुआ भी है, और उसके साथ साथ आपको जो है ना समाज में अच्छा कार्य करने का अवसर भी मिलता है, और आपकी पद प्रतिष्ठा और एक गरिमा भी बनी हुई रहती है। तो करियर के साथ साथ अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है, आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है, बस शर्त यही है कि आपका बैकग्राउंड जो है साइंस ग्रेजुएशन का होना चाहिए। सर, अभी वैकेंसीज निकली हैं तो इस बारे में कुछ बात करेंगे? हाँ बिल्कुल, 100 से अधिक इस बार फॉरेस्ट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा की घोषणा कर दी गई है, उसका विज्ञापन भी जारी हो चुका है, अभ्यर्थी आवेदन भी कर रहे होंगे, 100 से अधिक इसमें वन जो ये क्षेत्रपाल हैं, फॉरेस्ट रेंजर जिनको हम कहते हैं, उनकी पोस्ट हैं, और उसके अलावा उसमें 5 या 6 मेरे ख्याल से असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के भी पद निकले हुए हैं, कैटेगराइज उनको आरक्षण के हिसाब से आगे भी किया गया है, और उसकी परीक्षा होगी। तो उसकी जिन विद्यार्थी, जो हमारे युवा साथी राज्य वन सेवा की परीक्षा में जाना चाहते हैं और जो
प्रशासनिक सेवाओं में रुचि रखते हैं वे दोनों ही लोग इस तरह की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद उनका एक अच्छा करियर बन सकता है इस क्षेत्र में भी। आसिफ जी, हमारी बातचीत में एक सवाल और निकल के आ रहा है सर कि अभी जैसे राज्य वन सेवा का जो विज्ञापन निकले हैं तो उनमें तारीखें आ गई हैं क्या कि कब उसके आवेदन करने हैं और कब एग्जाम होंगे? आसिफ जी, राज्य वन सेवा आयोग के लिए मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निकला है 10 फरवरी को इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है और 11 अप्रैल को इसकी प्रारंभिक चरण की परीक्षा होगी, उसके बाद फिर इसका मेन एग्जामिनेशन होता है। जी सर, मुख्य परीक्षा उसके बाद ही आयोजित होगी। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं वो देख रहे हैं, आपके लिए ये तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप राज्य वन सेवा में जाना चाहते हैं तो इन तिथियों को आप अपने पास नोट कर लीजिए, ये आपके काम आएंगी। और इसके लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट और हाल के ही रोजगार और निर्माण जो हमारा शासन का प्रकाशन है उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी इस तरह के इसके विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं, तो डिटेल की इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहां देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राज्य वन सेवाओं के, इसी से संबंधित हमने अपने दर्शकों से कुछ सवाल पूछे थे, कुछ सवाल हमारे पास आए हैं तो सर मैं आपसे इनके जवाब चाहूँगा। यशी शुक्ला कह रही हैं, इस क्षेत्र में जाने के लिए कौन से विषय में पढ़ाई करनी होती है और 11th या 12th में कौन सा विषय लेना अनिवार्य है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं इस बात को कि राज्य वन सेवाओं के लिए आपको विज्ञान विषय में स्नातक होना आवश्यक है, तो इसके लिए स्वाभाविक सी बात है कि आपका 12वीं में भी यानी 11वीं और 12वीं आपका विज्ञान विषयों से होना चाहिए, चाहे आपका मैथ्स हो या आपका लाइफ साइंसेस से आपने 12th किया है उसके बाद आप ग्रेजुएशन विज्ञान से अगर करते हैं तो तभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक अगला सवाल है सर जाह्नवी शुक्ला का है, ये कह रही हैं कि यदि इस क्षेत्र में आगे उन्हें बढ़ना है तो कौन सी एग्ज़ाम फेस करनी होगी? हालांकि एग्जाम तो सेवाओं में, हाँ एग्ज़ाम के बारे में तो जैसा हम कह ही रहे हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं साइंस स्ट्रीम से तो उसके बाद में समय समय पर राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं अलग अलग राज्यों के भी मध्य प्रदेश के अलावा, तो उन सभी राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसी समय राज्य वन सेवाओं के लिए आवेदन करना होता है, अलग से इसकी कोई परीक्षा नहीं होती है। वर्ष में या जो उनके लोक सेवा आयोग के जो कैलेंडर होते हैं उसके हिसाब से वो शेड्यूल करते हैं एग्जामिनेशन को, तो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। शालिनी ताड़े पूछ रही हैं कॉलेज में क्या विषय होते हैं और कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर इसके लिए विशेष तैयारी कराई जाती है? नहीं, इसके लिए विशेष तैयारी जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जो जैसा हमने पहले के बातचीत में भी कहा है कि राज्य शासन के जो विश्वविद्यालय होते हैं या कुछ विशेष संस्थान होते हैं तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनकी तैयारियाँ विद्यार्थियों को करवाई जाती हैं। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट कोचिंग करते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह की सुविधा होती है, लेकिन कोई इसके लिए अलग से कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज़ में अलग से तैयारी करने का कोई डिपार्टमेंट हो या ऐसे अलग से कोई कोर्सेज हो तो ऐसा नहीं है। बात यही है कि आपको विज्ञान में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए और उसके साथ साथ सामान्य अभिरुचि आपकी जो है वो सामान्य जो दक्षता है या सामान्य ज्ञान का जो स्तर है थोड़ा सा अगर आपका अच्छा है और प्रशासनिक सेवाओं के लिए आपका रुझान है तो मेरा ख्याल है कि फिर आपके लिए जो स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन है एक अच्छा ऑप्शन है। कोमल सोनी पूछ रही है सर इनमें महिलाओं के लिए क्या स्कोप है, क्या वो इसको रोजगार के लिए आगे इसमें अप्लाई कर सकती हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आप इस विज्ञापन को जरूर देखिएगा जो अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया है। इसके इसमें महिलाओं के लिए भी बिल्कुल इसके पद होते हैं और चूंकि देखिए आज के समय में अगर हम करियर की बात करेंगे तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे रही हैं जी, वे चाहे साइंस का हो, चाहे सुरक्षा का हो, रक्षा सेवाओं का हो, चिकित्सा का हो, इंजीनियरिंग का हो, हर सेक्टर में महिलाएं कदम से कदम मिलाकर के चल रही हैं, तो वन्य सेवाएं भी बिल्कुल ऐसी हैं, आपको बहुत सी ऐसी महिला अफसर मिल जाएंगी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस जो फील्ड में काम कर रही हैं, जो फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल ही महिलाओं के लिए भी इसमें बहुत बेहतरीन करियर के ऑप्शन हैं आसिफ जी। अगर कोई रुचिकर आप जॉब चाहते हैं तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। अगला सवाल है सर पंकज वर्मा का, इनका कहना है कि यदि इन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया है तो क्या इस पद के लिए
डिप्लोमा अगर आपका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, मेरे ख्याल से जहाँ तक आप डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, मेरे हो सकता है कि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात पूछ रहे हो, तो नहीं, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और साइंस में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और अगर आप किसी ऐसे डिप्लोमा की बात कर रहे हैं कि जो आपने ग्रेजुएशन के बाद किया है, तो डिपेंड इस पर करेगा कि आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो किस सब्जेक्ट में है। अगर आपने PGDCA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है या कोई और दूसरा डिप्लोमा किया है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो इस पर भी निर्भर करेगा कि आपकी जो स्नातक की उपाधि है वो विज्ञान में है या नहीं है। इसके लिए अनिवार्य योग्यता है कि आप विज्ञान में ग्रेजुएट हों या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हों। तो सवालों का ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है और हम अपनी बातों को भी यहीं पे विराम देना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा, अगले हफ्ते हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? अगले हफ्ते आसिफ जी हम शिक्षा में करियर को लेकर के बात करना चाहेंगे जी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और शोध एक ऐसा करियर का सेक्टर है जहाँ हमारे यहाँ लाखों युवाओं के लिए रोजगार की बहुत सी सुविधाएं और बहुत सी संभावनाएं मौजूद हैं। और हर साल हमारे यहाँ जो लाखों लोग हैं एजुकेशन की डिग्री भी लेते हैं, डिग्री के बाद एजुकेशन के सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, तो एजुकेशन में करियर के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इस पर हम अलग अलग स्तर पर हम बात करेंगे। पहले जो हमारे यहाँ हम बात करना चाहेंगे वो प्राथमिक शिक्षा में करियर को लेकर, एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर करियर है तो क्या है, इस पर हम बात करेंगे आसिफ जी। तो फिर आप तैयार हो जाइए अपने सवालों के लिए, आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं नीचे दिए नंबरों पर, ताकि हम अगले सप्ताह भट्ट सर से उनके जवाब ले सकें जो आपके भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। सर बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए, नमस्कार।